आयुष्मान खुराना जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 10 साल कंप्लीट कर लिया है और इन 10 सालों में पहली बार आयुष्मान खुराना एक एक्शन फिल्म को किया है। आयुष्मान खुराना आजकल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फिल्मों को कर रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान खुराना की लास्ट फिल्म अनेक। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म में कोई भी कमी नहीं था, चाहे वो फिल्म की स्टोरी हो या आयुष्मान खुराना की एक्टिंग, सभी जबरदस्त थी। लेकिन फिल्म नहीं चली, जिसके बाद लग रहा था कि आयुष्मान खुराना वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने लास्ट फिल्म से भी ज्यादा चैलेंजिंग रोल को एक्सेप्ट किया। और ना सिर्फ यह चैलेंजिंग रोल को एक्सेप्ट किया बल्कि उसे अच्छी तरह से निभाया भी। तो अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म में आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के एक एक्शन हीरो के रोल को निभा रहे हैं। फिल्म में उनका नाम मानव है। आयुष्मान खुराना यानी कि मानव अपने आने वाली फिल्म के लिए हरियाणा के मंडोटी गाँव जाता है। वहाँ जब लोगों के द्वारा बॉलीवुड के सुपरस्टार मानव के आने की खबर लोकल राजनेता विकी सोलंकी को लग जाता है, तो मानव से मिलने के लिए वह उसके सेट पर जाता है और वह मानव के साथ एक फोटो क्लिक करना चाहता है, जिससे कि आने वाली चुनाव में वह जीत सके। मानव उसे काफी इंतजार करवाता है। बाद में जब मानव से मिलने जाता है, तभी मैनेजर रोशन यानी कि हर्ष छाया उसे स्टैंक कार के आने की खबर देता है, जिसे लंबे समय से मानव खरीदने का इंतजार कर रहा था। कार के आने की खुशी में मानव सब कुछ भूल जाता है और अपने कार से ड्राइव के लिए निकल जाता है। गुस्से में विकी भी अपने कार से मानव का पीछा करता है और एक सुनसान सड़क पर दोनों का आमना सामना होता है और गुस्से में विकी भी मानव पर हमला कर देता है। मानव अपने बचाव में उसे दूर ढकल देता है, जिससे कि विकी का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और विकी की तुरंत ही मौत हो जाती है। मानव तब तो वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस को एक सबूत मिलता है जिससे कि मानव के ऊपर ही शक जाता है। मानव तुरंत हरियाणा के होटल से चेकआउट करता है और मुंबई पहुंचता है। फिर मुंबई से मानव लंदन जाता है, एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ विकी, जिसका खून मानव के द्वारा गलती से हो चुका था, उसका बड़ा भाई भूरा सोलंकी यानी कि जयदीप अहलावत एक खूंखार राजनेता प्लस गुंडा है। अपने भाई के मौत के जिम्मेदार वह मानव को मानता है और वह भी उसे मारना चाहता है। भूरा सोलंकी को ऐसा लगता है कि उसके भाई को मानव ने ही मारा है और वह भी आयुष्मान खुराना यानी कि मानव को मारने के पीछे लग जाता है और उसके पीछे पीछे वह यूके तक चला जाता है। अब मानव उस राजनेता से अपनी जान कैसे बचाएगा, प्लस पुलिस से वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में आपको बहुत ही ज्यादा भागदौड़ देखने को मिल सकती है, साथ ही फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। फिल्म में आगे क्या होता है, इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। ये तो पक्का है कि आप इस फिल्म से कभी बोर नहीं होंगे और पूरा पैसा वसूल फिल्म है। यह ऑडियंस को भी यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो जल्दी से जाओ और फिल्म को देखो। और अगर देख लिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि फिल्म आपको कैसा लगा। सो बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह के न्यूज अपडेट एंड फिल्म रिव्यू के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।